गुरु जी का संदेश फैलाने और एनिमेटेड वीडियोस बनाने में हमारा सहयोग करें। ज्वाइन बटन दबाकर हमारे मेंबर बने या थैंक्स बटन दबाएं। बात उस समय की है जब मुगल शासक हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बना रहे थे। वह तरह तरह के हथकंडे अपना रहे थे ताकि ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं का धन परिवर्तन हो सके। इसके लिए वह हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे थे। उन्हें यातनाएं दे रहे थे। और श्री गुरु गोविंद सिंह जी लगातार इन सब का विरोध कर रहे थे। इस जुल्म का मुकाबला करने के लिए श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने मुगलों को मुंह तोड़ जवाब दिया। उनकी एक न मानी और उन्होंने कई जंग लड़ी। इस बुरे समय में श्री गुरु गोविंद सिंह जी के दरबार में एक पंडित जिसका नाम केशव दास था, वह आए और गुरु जी से बोले, जो भी हो रहा है उससे मैं बहुत दुखी हूँ। आज सिख धर्म बहुत बड़ी मुश्किल के दौर से गुजर रहा है। सिख धर्म पर तरह तरह की मुसीबतें आ रही हैं। मेरे अंदर आपके लिए बहुत चिंता रहती है। मैं आपको इन मुसीबतों से बाहर निकालना चाहता हूँ। गुरुजी ने पंडित जी का भोलापन और प्यार देखकर कहा, पंडित जी, जो कुछ भी होता है वह सब वाहे गुरु जी की रजा से ही होता है, इसलिए हमें उस परमात्मा की रजा में ही रहना चाहिए। मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। बोलो, आप मुझसे क्या चाहते हो? मैं सिखों और सिख धर्म को इन सब मुसीबतों से निकालने के लिए चंडी माता को प्रकट करना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे नैना देवी के टीले पर जाकर यज्ञ करना पड़ेगा। गुरुजी ने पंडित को बहुत समझाया, पर पंडित जी अपनी जिद पर अड़े रहे। गुरुजी ने पंडित जी का भ्रम तोड़ने के लिए उनकी बात मान ली और उनके साथ नैना देवी के टिल्ले पर चले गए, जो आनंदपुर साहिब जी के नजदीक ही था। वहां पहुंचकर पंडित केशव दास ने 10 और पंडित बुलवाए और गुरुजी से कहकर काफी मात्रा में हवन सामग्री भी मंगवाई। पंडित केशवदास जी ने दूसरे पंडितों के साथ मिलकर यज्ञ शुरू कर दिया। काफी दिनों तक यज्ञ चला। परंतु चंडी माता प्रकट नहीं हुई। गुरुजी ने पंडित से कहा, पंडित केशवदास जी, चंडी माता प्रकट क्यों नहीं हुई? हवन तो जैसा आपने कहा था वैसा ही हुआ है। गुरुजी की यह बात सुनकर पंडित केशवदास बेचैन हो गया। पंडित जी को कुछ नहीं सूझा तो उसने गुरुजी से कहा, गुरु साहब, चंडी माता का हवन किसी तेजस्वी और विद्वान की बलि मांगता है। बलि देने के बाद चंडी माता प्रकट हो जाएंगी। गुरुजी ने पंडित केशवदास जी की बात सुनकर कहा, पंडित जी, इस जगह आपके अलावा और कौन तेजस्वी और विद्वान व्यक्ति हो सकता है? इन सभी पंडितों के बीच में केवल आप ही सर्वश्रेष्ठ हो। पंडित जी ने तो सिर्फ यह इसलिए कहा था कि गुरु जी का ध्यान शायद बलि की बात सुनकर यज्ञ से भटक जाए, पर पंडित जी अपनी कही बात पर ही फंस गए। ओहो, मैं तो बुरी तरह फंस गया हूँ। मैं तो सोच रहा था यह सब सुनकर बलि टल जाएगी, परंतु मुझे क्या पता था यह मेरे ऊपर ही आ जाएगी। भाग लेता हूँ मैं तो यहाँ से। गुरुजी की यह बात सुनकर पंडित जी रातों रात हवन को बीच में ही छोड़कर भाग गए। एक एक करके वहां से सारे पंडित भाग गए। अगले दिन जब गुरुजी उस जगह पर आए तो उन्होंने देखा कि पंडित केशवदास और बाकी के सभी पंडित वहां पर नहीं थे। जब उन्हें पता चला कि वो रातों रात ही वहां से भाग गए तो गुरु साहेब मन ही मन मुस्कुराए। वहां पर बहुत संगत भी आई हुई थी जिन्हें गुरुजी किसी वहम में नहीं रखना चाहते थे। वह संगत यह सब देखकर आपस में बात करने लगी।
अरे पंडित तो भाग गया। अरे भाग गया, अरे ढोंग रचा रहा था। अरे पता नहीं कैसे कैसे लोग मूर्ख बनाते हैं, मान गए भाई पंडित जी को। तभी गुरु साहेब ने सारी हवन सामग्री उठाकर हवन कुंड में डाल दी। जैसे ही हवन सामग्री ने आग पकड़ी तो कुंड में से बड़ी बड़ी आग की लपटें निकलने लगी। उसी समय आसमान में बहुत तेज बिजली कड़की। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी म्यान में से अपनी तलवार निकाली और जमीन में खड़ी कर दी। तभी अचानक सारी आकाशीय बिजली उस तलवार में समा गई। आकाशीय बिजली की गरज और इतनी ऊंची लपटों को देखकर वहां खड़ी संगत को लगा कि टीले पर चंडी माता प्रकट हो गई हैं। जब वह सब पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कोई चंडी माता प्रकट नहीं हुई। श्री गुरु गोविंद सिंह जी हाथों में तलवार लिए खड़े थे। गुरु जी ने कहा, यह तलवार ही चंडी है, आज के बाद यह तलवार ही चंडी रूप है। उन्होंने कहा कि यह तलवार ही चंडी बनकर दुश्मनों के खिलाफ लड़ेगी। इस तरह गुरु साहिब ने तलवार को चंडी का रूप बताया था, ना कि चंडी माता को प्रकट करके अपने बस में किया था। चंडी का रूप हर इंसान के अंदर होता है, बस जरूरी है कि उसे सही समय पर और सही जगह पर जगाने की। जब दुनिया में मानवता के साथ अन्याय हो रहा हो, शस्त्र के साथ ही दुश्मन का अंत हो सकता है, और यह यज्ञ और केशवदास जैसे पंडित तुम्हें इन मुगलों से आजाद नहीं करवा सकते। ना कोई देवी आएगी और ना कोई देवता, तुम लोगों को स्वयं ही अपनी रक्षा इन हथियारों के साथ करनी पड़ेगी। सतनाम श्री वाहेगुरु। यह प्रश्न कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है, अक्सर उन लोगों के मन में उठता है जो जीवन चक्र और जिंदगी के उतार चढ़ाव को समझना चाहते हैं। जितने लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है, उतने ही जवाब लोगों से आपको मिल जाएंगे। कोई कहता है कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है, क्योंकि मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता और हर किसी को मृत्यु तो आनी ही है। कोई धर्म कहता है कि जीवन का सत्य दुख है और इसका कारण मोह माया है, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जिसने दुख ना देखा हो। हमने भी इस विषय पर सोचा और जानने की कोशिश की कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है। जो व्यक्ति कहता है कि मृत्यु सत्य है, उसकी यह बात तो सही है, क्योंकि उसकी मृत्यु तो होगी, परंतु आज तो वह जिंदा है। उसने जो कहा वह भविष्य यानी फ्यूचर का सत्य है, परंतु वर्तमान यानी प्रेजेंट का झूठ है। जो व्यक्ति यह कहता है कि दुख जीवन का सत्य है, तो दुख भी आते और जाते रहते हैं, तो सत्य क्या है? सत्य वह है जो पास्ट में भी सत्य था, प्रेजेंट में भी सत्य है और फ्यूचर में भी सत्य रहेगा। और जो इन तीनों बातों पर खरा उतरता है वह है परमात्मा, एक ओंकार। और इस बात को श्री गुरु ग्रंथ साहिब में मूल मंत्र में श्री गुरु नानक देव जी ने बताया है। गुरु जी कहते हैं, एक वाहे गुरु यानी परमात्मा, वही सतनाम है, बाकी सब कुछ झूठ है। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सतनाम श्री वाहे गुरु।